इफ़ कंडीशन में हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईफ कंडीशन का और क्या क्या यूज हो सकता है ईफ कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसके पीछे भी हमने आपको ईफ लॉजिक के बारे में बताया था क्वेश्चन यह है कि आपको अगर कोई संख्या इनपुट करना है और यह चेक करना है कि संख्या पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है अगर संख्या पॉजिटिव है तो रिटर्न वन करें अगर संख्या नेगेटिव है तो माइनस वन रिटर्न करें और अगर संख्या ज़ीरो है तो क्या करें ज़ीरो रिटर्न करें हमने कहा कि आपको ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोड लिखना है जिसमें हम किसी भी संख्या को जब हम इनपुट करें चाहे वो संख्या पॉजिटिव या संख्या नेगेटिव हो तो कंप्यूटर ये हमें बताए कि संख्या पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव है तो बताए कि पॉजिटिव है अगर नेगेटिव है तो आपको बताए नेगेटिव है आपको याद होगा कि हमने फंक्शन एक पढ़ा था फॉक्स के अंदर ही हमने आपको ई एस आई जी एन फंक्शन के बारे में बताया था साइन फंक्शन के बारे में बताया था जो साइन क्या करता है रिटर्न करता है संख्या पॉजिटिव है तो वन संख्या अगर नेगेटिव है तो माइनस वन और अगर संख्या जीरो है तो जीरो रिटर्न करता है इसी फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को जो हमने आपको बताया कि संख्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि ज़ीरो है इसको हम करेंगे तो आइए हम इस कोड को लिख लेते हैं लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको एक प्रोग्राम फाइल खोलनी होगी आपको लिखना होगा मॉडी यहाँ लिखना होगा कॉम और यहाँ पे लिखना होगा एफ फोर्टीन हम एक फाइल ओपन करते हैं और इस फाइल के अंदर हम कोड को लिख लेते हैं देख सकते हैं कि एफ़ फोर्टीन डॉट पी आर जी नाम की फाइल खुल चुकी है अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं उस कोड को लिख लेते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं तो आइए कोड को हम टाइप कर लेते हैं देख सकते हैं कि हमने कोड लिख दिया है एफ फोर्टीन डॉट पी आर जी नाम की फाइल खुली है जिसके ऊपर हमने एक कोड टाइप किया है जिसमें सबसे पहले सेट टॉक ऑफ का प्रयोग किया है सेट टॉक ऑफ हर प्रोग्राम को लिखते समय ये टाइटल के रूप में आपको लिखना है इसके बाद हमने क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल किया है इसके बाद आप देख सकते हैं स्टोर यूज़ किया है स्टोर फार्मूले का यूज़ करके हमने स्टोर किया है जीरो को यन के ऊपर यस के ऊपर यानी यन की स्टार्टिंग वैल्यू और यस की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है जीरो है यहाँ देख सकते हो कि हमने इनपुट लगाया इनपुट में हमने इंटर नंबर लिखा और यन की वैल्यू को हमने यहाँ इनपुट दिया है यहाँ देख सकते हैं कि यस बराबर हमने साइन यन जो हमने यन पर इनपुट किया है उसका साइन मान निकाल के हम यस पे स्टोर कर रहे हैं आपको याद होगा मैंने साइन फार्मूले का यूज़ पहले दिन ही बताया था इसके पहले क्वेश्चन में आपको हम बताए हुए हैं कि अगर साइन का मान निकालना चाहते हो साइन यानी चिन्ह ध्यान दे रहा है कि अगर संख्या पॉजिटिव है तो ये क्या करता है वन रिटर्न करता है अगर यन का मान यन का मान मान लीजिए कि दस है बीस है तो ये क्या करेगा वन रिटर्न करेगा अगर संख्या नेगेटिव है निगेटिव है तो वो क्या करेगा माइनस वन रिटर्न करेगा और अगर संख्या ज़ीरो है तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा अब देखिएगा मान लीजिए दे कि हमने यन का मान यहाँ पे फाइव इनपुट किया सपोज है कि जब हमसे ये पूछा कि इंटर करिए यन की वैल्यू को तो यन की जगह पे हमने क्या किया इनपुट दिया पाँच पाँच जब इनपुट किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यन यानी जो पाँच है उसका साइन मान निकाला गया और यश पे स्टोर किया गया तो यश का मान क्या निकला यहाँ पे यस इज कल टू देखेगा साइन यस आई जी एन और यहाँ पे पाँच इसका मान क्या आया इंटर करने पर वन आया क्योंकि हम बता चुके हैं चाहे जो भी संख्या आप लें वन टू थ्री यहां पे आप ट्वेंटी ले लीजिए हंड्रेड ले लीजिए वन थाउजेंड ले लीजिए वन लाख ले लीजिए इसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको इसका रिटर्न आपको वन मिलेगा क्योंकि संख्या क्या है संख्या पॉजिटिव है हमने कहा कि यदि यस का मान क्या है वन है तो वो क्या रिटर्न करेगा तब वो प्रिंट करेगा नंबर इज पॉजिटिव लेकिन अगर मान लीजिए कि यन का मान आपने यहाँ पे क्या किया 15 टाइप कर दिया माइनस फिफ्टीन माइनस में संख्या डाला तो साइन का मान क्या होगा अब यहाँ देखिए यस इज कल टू यस आई जी यन और यहाँ पे माइनस फिफ्टीन लिखा जाए क्योंकि संख्या यन का मान निगेटिव है इसलिए क्या करेगा वो माइनस वन रिटर्न करेगा हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर संख्या नेगेटिव है तो माइनस वन संख्या पॉजिटिव है तो वन और संख्या अगर जीरो है तो जीरो रिटर्न करेगा अब यहां देखिए यस पर क्या आया यस पे माइनस वन आया यही कहा गया कि यदि यस का मान माइनस वन है तो संख्या क्या होगी नेगेटिव होगी और अगर मान लीजिए कि यस का मान ज़ीरो आया जीरो कब आएगा जब आप ना तो कोई संख्या पॉजिटिव ले रहे हो અનાહી કોઈ સંખ્યા નેગેટિવ લે રહા હો ઉસ કન્ડિશન મેં અગર માન લીજીએ કે n કા માન યહા પે આપને 0 ઇનપુટ કિયા હે તો yes કા માન કિતના હો જાયેગા yes i z n ઓર યહા પે 0 તો ઇસકા માન ક્યા આયેગા 0 હી આયેગા 0 આયેગા 0 હે યે 0 આયેગા જબ 0 આયેગા તો યહા પે yes કા માન અગર 0 હે તો નંબર ઇઝ ક્યા હોગા 0 હોગા संख्या पॉजिटिव नहीं है निगेटिव नहीं है तो संख्या क्या होगी जीरो होगी अब यहाँ देख सकते हैं कि जितनी बार आपने ईफ लगाया है कंडीशंस में ये नियम है कि अगर आप इफ लगा रहे हो तो उसे आपको इंड इफ करना पड़ेगा तो इस इफ का ये आपने एंड किया है इस इफ को आपने ये एंड किया है और ये जो लास्ट में इफ़ लगाया है उसका एंड आपने ये किया है प्रोग्राम कंप्लीट है प्रोग्राम को जब आप सेव करके रन करिएगा सेव करने के लिए आप यहाँ पे सी टी आर एल प्लस डब्लू को प्रेस करिएगा जब प्रोग्राम सेव कर जाएगा तो आप इसको रन करिएगा तो आइए हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से हम इसको सेव कर लेते हैं सेव करने के बाद हमने कहा कि डू लिखिएगा और डू लिखने के बाद एफ़ फोर्टीन लिख के जब आप इंटर करिएगा तो देख सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें नंबर को इनपुट करें आप कोई भी मान आप यहाँ पर डाल दीजिए जैसे हमने यहाँ पर डाला फोर्टीन फोटीन संख्या क्या है पॉजिटिव है ना तो ये बताएगा नंबर इज़ पॉजिटिव आप देख सकते हो कह रहा है कि नंबर पॉजिटिव है मान लीजिए कि अगर आपने फिर से डू किया प्रोग्राम को फिर से रन किया डू किया यहाँ से और डू करने के बाद आपने फिर से इंटर किया तो आपसे फिर से पूछेगा कि इंटर करिए नंबर को मान लीजिए अब की बार हमने माइनस फिफ्टी इनपुट किया देख सकते हैं कि हमने जो इनपुट दिया है वो माइनस में दिया है माइनस फिफ्टी लिखा है और जब इंटर करेंगे तो वो संख्या क्या है आप पढ़ सकते हैं कि मैसेज आ रहा है कि नंबर इज़ नेगेटिव और अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हो फिर से आपसे पूछा गया है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो इनपुट किया तो देखिए वो बता रहा है कि संख्या क्या है ज़ीरो है तो इस तरह आप इफ कंडीशन का यूज करते हुए आप पता कर सकते हो कि संख्या पॉजिटिव है नेगेटिव है अथवा ज़ीरो है तो इस प्रोग्राम को आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट करके जो है आप इस प्रोग्राम को रन करेगा और देखिएगा कि आपके द्वारा लिखा गया प्रोग्राम रन कर रहा है कैसे कर रहा है